गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सहकार सूत्र। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट टू कंप्लेन ऑफ मेंबर्स। आज हम बात करेंगे सोसाइटी के मेंबरों को अपनी तकरार देने का जो अधिकार होता है, अपनी तकरार करने का जो अधिकार होता है, राइट टू कंप्लेन, उसके बारे में। दोस्तों, हम काफी बार YouTube पे जब कोई वीडियो देखते हैं या तो कोई क्लिप्स देखते हैं रिगार्डिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और मेंबर और मैनेजिंग कमेटी के संबंध के बारे में जब विषय आते हैं, तो काफी YouTube के क्लिप्स में हम देखते हैं कि हाउसिंग फेडरेशन के अधिकारी होए या तो DDR ऑफिस के अधिकारी होए या सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो होते हैं इस विषय में कोऑपरेशन सेक्टर के, वो सभी जब बात करते हैं तो हमें एक ही बात बताते हैं कि मेंबर जो कंप्लेंट करते हैं वो सही नहीं है। मेंबर कंप्लेंट करते हैं माने मेंबर दोषी है, मेंबर फॉल्टी है, मेंबर ने वाद नहीं संवाद करना चाहिए मैनेजिंग कमेटी के साथ में, माने सब वन वे ट्रैफिक हमें बताया जाता है कि अगर तकरार की किसी मेंबर ने तो वही दोषी है और मैनेजिंग कमेटी ने वो तकरार सुनी नहीं तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी, इसलिए सुनते नहीं होगी। कोई ऐसे नहीं बताता कि मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी गलत हो सकते हैं। तो आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले भी मेरे एक एपिसोड में बताया था, काफी बार मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो होते हैं वो एक बार चुन के आते हैं और कुर्सी पे बैठते हैं तो उनके दिमाग में थोड़ी हवा चली जाती है। उनको लगता है कि हम इस सोसाइटी के राजा बन गए, वी आर हियर टू गवर्न ओवर अदर मेंबर्स, टू रूल ओवर अदर मेंबर्स। हालांकि वास्तव में द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स एज वेल एज द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द सोसाइटी आर देयर टू सर्व द सोसाइटी मेंबर्स, सर्व इन द गुड सेंस ऑफ द वर्ड, उनके नौकर बन के नहीं, पर उन्होंने ही खुद ने चुना होता है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ते वक्त उन्हें मालूम होता है कि काफी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर के ऊपर आके आने वाली है और वो खुद चुनाव लड़ते हैं और वो जिम्मेदारी का स्वीकार करते हैं, तो बाद में वो तकरार नहीं कर सकते कि हम ऑनररी काम कर रहे हैं और क्योंकि हम ऑनररी काम करते हैं हम इतने ही घंटे काम करेंगे, या तो हम इस मेंबर का सुनेंगे या तो नहीं सुनेंगे, या तो हम हमारे हिसाब से कार्यकाल हमारा चलाएंगे, ऐसे वो नहीं कह सकते हैं। चूंकि ये मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ऐसे मगरूरी से पेश आते हैं, ऐसे एरोगेंटली और रूडली लोगों से बात करते हैं, लोग थोड़े आगे आके उनके बारे में तकरार करने में कतराते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि बायलॉज ने बायलॉ नंबर 172, 173 और 174 तहत आपको पूरा अधिकार दिया है कि आपके साथ कुछ अन्याय होता होगा या तो आपकी कोई तकरार होगी या तो आपको मिलने वाली सर्विस से डिससैटिस्फाइड हो गए तो आप बिना झिझके बिना डरे आगे आके आपकी तकरार कर सकते हैं। तकरार करने के लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको उपलब्ध है जिसके बारे में मैं आपको अभी अवगत कराऊंगा। पर एक चीज सभी मेंबरों ने ध्यान रखनी है कि ये आपकी जो लड़ाई होती है वो आपको ही लड़नी होती है। आप अगर सोचोगे कि कोई दूसरा आदमी आके हमारी लड़ाई लड़ेगा तो ये संभव नहीं रहता। तो शर्माना नहीं, घबराना नहीं, हिचकिचाना नहीं, और कोई लोग ताने मारे कि ये आदमी तो हमेशा तकरार करता है, कंप्लेंट करता है, तो उसके बारे में भी आपको अपोलोजेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बायलॉज नंबर 172, 173 एंड 174 हैव गिवन यू अ राइट टू सीक रिड्रेसल ऑफ ऑल योर कंप्लेंट्स। सबसे अहम तकरार जो सारे मेंबर्स की होती है कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के पास हम लेटर्स कुछ लिख के देंगे तो उसका हमें जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, द मैनेजिंग कमेटी एंड द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी हैज टू रिप्लाई योर लेटर्स विद इन 15 डेज। ये नहीं रिप्लाई करते तो आप
डीडीआर के पास जाके उसकी तकरार कर सकते हैं। दूसरी बात, देखा गया है काफी सोसाइटियों में मोर देन 75% ऑफ सोसाइटीज डोंट कीप रिकॉर्ड्स प्रॉपरली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप जाके आपके सेक्रेटरी को पूछो कि मुझे अपने सोसाइटी का स्टॉक रजिस्टर देखना है, इन्वेंटरी सोसाइटी की कितनी है और कब खरीदी, कहां कहां इश्यू हो गई, कहां कहां यूज हो गई और अभी कितनी बची है, ये स्टॉक रजिस्टर हमें दिखाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं 90% ऑफ सोसाइटीज डोंट मेंटेन द स्टॉक रजिस्टर। तो ये एक तकरार की वजह जरूर हो सकती है मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ। दूसरा, ऑफिस बेयरर्स मैनेजिंग कमेटी के दे वायलेट द बायलॉज विथ इम्प्यूनिटी। जैसे बायलॉज है ही नहीं ऐसे उनका बर्ताव होता है और मनमानी चलती है कारोबार में उनके। वो भले इंक्रोचमेंट की होए या लोगों का ग्रीवेंसिस ना सुनने की होए, पर मेनी टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑफिस बेयरर्स एंड मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स वायलेट बायलॉज विथ इम्प्यूनिटी। गलत तरीके से इंटरेस्ट लगाती है, गलत जगह पे इंटरेस्ट लगाती है, फिर जनरल बॉडी को कभी भी विश्वास में लिए बगैर काम करते हैं। ये सब तकरारें होती है मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ, मेंबरों के खिलाफ। का और एक तकरार जो अहम होती है बड़े सोसाइटियों में, बायलॉज कहते हैं कि 1 लाख के ऊपर आपको अगर खर्चा करना है तो आपको उस चीज के लिए जनरल बॉडी की परमिशन लेनी पड़ती है। काफी बड़े सोसाइटियों में ये परमिशन ली नहीं जाती और अपने मनमानी से अपने लोगों को, अपने कॉन्ट्रैक्टरों को बुला के उन्हें काम देने का ऐसा रवैया मैनेजिंग कमेटी और ऑफिस बेयरर्स का रहता है हमेशा। दूसरी बात, अगर आपको ये सारी कंप्लेंट्स करनी है तो कहां करनी है, तो आपको मैंने जैसे बताया कि 4 तरह के प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध है। आपकी तकरार आप ऑफिस में दे सकते हो, सोसाइटी के ऑफिस में, और उसका अगर ग्रीवियंस सॉल्व नहीं होता है आपका तो आप जनरल बॉडी में आपके ये विषय रेज कर सकते हो। फिर आप डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके कुछ विषयों की तकरार कर सकते हो जो उनसे संलग्नित है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और अंत में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है। हम सारी चीजों के बारे में अभी जानकारी लेंगे। अगर सोसाइटी का मेंटेनेंस बराबर नहीं कर रही है मैनेजिंग कमेटी, जो स्टाफ मेंटेनेंस के लिए रखा है वो बराबर काम नहीं कर रहा है, अगर गलती से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है गलत तरीके से मैनेजिंग कमेटी, या तो फिर कहीं जगह पे इंक्रोचमेंट हो रही है, पब्लिक प्लेसेस गंदे तरीके से पड़ी हुई है, या तो कुत्तों का मेनस, डॉग मेनस अगर बढ़ गया है, तो ऐसी जो, या तो सोसाइटी की लाइट्स जो होती है कॉमन प्लेसेस में वो बराबर चल नहीं रही है। ज्यादातर के सोसाइटी के मेंटेनेंस के बारे में अगर कुछ चीजें होगी तो उसके लिए आप वो विषय अपने जनरल बॉडी में, एनुअल जनरल मीटिंग में उठा सकते हैं। अगर सोसाइटी आपको एनओसी नहीं दे रही है टाइम पे, या तो शेयर सर्टिफिकेट आपका आपको टाइम सर नहीं दे रही है, या फिर पार्किंग के बारे में आपकी तकरार है कि कोई आदमी गलत तरीके से आपके यहां पार्क कर रहा है और सोसाइटी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, या तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स मांगते हो सोसाइटी के पास और वो सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स आपको नहीं दे रहे हैं, या तो ऑडिट रिलेटेड कुछ विषय है, या तो एजीएम टाइम पे नहीं बुला रही है सोसाइटी, या तो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बराबर नहीं ले रही है, ऐसे सारे विषय के लिए आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। सोसाइटी ने गलत तरीके से अगर कुछ रेजोल्यूशन पास किए हैं, या तो रिपेयर के काम जो सोसाइटी ले रही है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं बरता रही है, टेंडर्स नहीं बुला रही है, अपने खुद के पहचान वाले लोगों को ही काम दे रही है, अगर कॉस्ट में एस्केलेशन हो रहा है बाजार भाव से कंपैरिजन करें तो, या तो फिर सोसाइटी का कन्वेंस करने के लिए सोसाइटी कुछ कदम नहीं उठा रही है, ये सब चीजों के लिए आप सिविल या तो कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हो। डिटेल्स मेरे टॉक के बाद में जो प्रेजेंटेशन है उसमें सारी दी गई है, वहां पे आप देख सकते हैं। फिर अगर आपके सोसाइटी में कोई आदमी ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया है, या फ्लैट में इल्लीगल ऑल्टरेशन किया है,
या तो सोसाइटी के ने खुद कुछ कहा इलीगल काम किया है, इलीगली कुछ कंस्ट्रक्ट किया है या अल्टर किया है, तो उसके लिए या तो फिर आपकी बिल्डिंग का मेंटेनेंस बराबर नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चरली वो बिल्डिंग खराब हो गई है और सोसाइटी ध्यान नहीं दे रही, तो ये सारी चीजें आप म्यूनिसिपालिटी पे के पास जाके आप तकरार कर सकते हैं। अगर कोई मेंबर या तो मैनेजिंग कमेटी मेंबर या तो ऑफिस बेरर आपसे रूडली बात कर रहा है, आपको धमका रहा है, आपके ऊपर असॉल्ट किया होगा या तो करूंगा ऐसी धमकी दे रहा है, या तो मैनेजिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स ने या तो ऑफिस बेरर्स ने कुछ फ्रॉड किया है, या तो आपके जीवित को हानि पहुंचे ऐसी सिचुएशन अगर खड़ी हो गई हो, तो ये सब चीजों के लिए आप पुलिस के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो। देखो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, मराठी में कहावत है, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। अगर आपको पैराडाइज देखना है तो आपको खुद मरना पड़ेगा। तो वैसे आपके अगर ग्रीवेंसेस कुछ है वो सॉल्व करने के लिए आपको एक्टिवली उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत लेनी पड़ेगी। दूसरों के ऊपर आप वो सौंप दे तो वो ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हो सकते। व्हेन इट इज योर फाइट, यू हैव टू फाइट इट योरसेल्फ एंड विक्ट्री विल ऑलवेज बी योर्स। जब तक आप सही है, एज लॉन्ग एज यू आर राइट, डोंट फील शाय और डोंट फील अफ्रेड टू फाइट फॉर योर राइट्स। धन्यवाद।